हार्मोन्स इन एनिमल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे और उससे जुड़ी जितनी भी सेक्रेशन होती है हार्मोन्स की, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो वो हार्मोन्स कैसे वर्क करती है, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिए। फ्रेंड्स, मैं हूँ कृष्ण सिंह और आप देख रहे हैं द टाइम सेवर। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा है कि ये फिगर जिसमें ये पूरे ब्रेन के हिस्से में मैंने तीन हार्मोन्स को इंडिकेट किया है। ऊपर की तरफ है हाइपोथैलेमस, बीच में और मिड और मिडल पार्ट्स में दिखाया है पाइनियल ग्लैंड्स दिखाया है। उसके जस्ट साइड में दिखाया है पिट्यूटरी ग्लैंड। नीचे जब आएंगे तो ये दिखाया है थायराइड ग्लैंड, उसके जस्ट नीचे पैराथायराइड ग्लैंड, और यहाँ पर जो ब्रांचियस होता है, जो ब्रांचेस बनती हैं, वहाँ पर थाइमस ग्लैंड। नीचे आएंगे तो इंटेस्टाइन से स्टमक से होते हुए पेनक्रियाज आएगा, ये भी वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा देखेंगे। साइड साइड में दो ठे ग्लैंड्स होंगी, एड्रेनल ग्लैंड जिसे कहेंगे, किडनी के ऊपर कॉर्टेक्स साइड्स में, और फीमेल में होगा तो ओवरी और मेल में होगा तो टेस्टिस। मैंने एक ही में बना दिया है तो आप समझ सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं पहला हार्मोन। तो आपको दिख रहा है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स लिखा है, इट इज़ अ न्यूरो एंडोक्राइन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ये न्यूरो एंडोक्राइन पार्ट्स होता है, आपको यहाँ पर इंडोक्राइन पार्ट समझ में आ रहा है। तो आइए डिस्कशन पहले ये कर लेते हैं कि इंडोक्राइन होता क्या है। दरअसल किसी भी चीज़ को, चाहे वो जूस हो चाहे वो कोई हार्मोन्स, उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरीके से इंडोक्राइन आपको समझ में आ जाएगा, और एक होता है एक्सोक्राइन। मैं इंडोक्राइन ही बता रहा हूँ। इंडोक्राइन का मतलब डक्टलेस। डक्टलेस का मतलब आप क्या समझे? डक्टलेस का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ें प्रोड्यूस जो हो रही हैं, कोई भी हार्मोन्स या कोई भी चीज़ें जो प्रोड्यूस हो रही हैं, वो किसी ट्यूब के जरिए नहीं जा रही है, वो सीधे ब्लड में सेक्रेट कर रहा है। यानी ये कोई भी सेक्रेशन होगा, यानी हार्मोन का सेक्रेशन जो होता है वो इंडोक्राइन होता है। ठीक है, जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या वर्क करती हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में काम करती हैं, और अपने हार्मोन्स को किस में सेक्रेट करती हैं? ब्लड में। जो भी ब्लड में हार्मोन्स को सेक्रेट या किसी चीज़ को प्रोड्यूस सेक्रेशन करेगा, मिलाएगा, उसे हम एंडोक्राइन कहते हैं। और जो डक्ट में यानी पाइप में चलेगा, ट्यूब में चलेगा, उसे हम डक्ट कहेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है इंडोक्राइन पार्ट्स होता है, क्योंकि ये हार्मोन्स ब्लड में सेक्रेट होते हैं। इट लिंक्स द न्यूरॉन सिस्टम्स एंड इंडोक्राइन सिस्टम थ्रू अ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जरिए सारी जगह से जुड़ा होता है, और इसका मोस्टली जो काम होता है वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करना। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि हार्मोन्स का सेक्रेशन जहाँ कम हो वो एक फीडबैक भेजते हैं कि हमें हार्मोन चाहिए हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है कि हाँ हार्मोन्स यहाँ पर सेक्रेशन करना है, सेक्रेशन कराओ। अच्छा, इसी तरह देखिए हार्मोन्स कुछ प्रोड्यूस करता है, जैसे स्टोमेटोस्टिन, स्टेटिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन्स को ग्लैंड्स के जरिए प्रोड्यूस करता है। तो आपने एक समझ लीजिए, एक बेसिक चीज़ है कि हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस किसी हार्मोन्स को, किसी ऑर्गन में किसी को प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेशन नहीं करता है, वो स्टिमुलेशन या स्टिमुलाई सिर्फ पिट्यूटरी को करता है। पिट्यूटरी द्वारा किसी हार्मोन्स को सेक्रेशन होता है, और वो किसी ग्लैंड्स या किसी पार्ट्स को, ऑर्गन के स्टिमुलेशन करता है कि हाँ तुम हार्मोन्स प्रोड्यूस करो या ना करो। इसे सिर्फ निगेटिव फीडबैक आते हैं कि आप प्रोड्यूस कराइए, या पॉजिटिव फीडबैक आएंगे कि हाँ ये ज़्यादा हार्मोन हो रहा है, इसको रुकवाइए। तो ये सिर्फ पिट्यूटरी को हुक्म देता है और किसी को नहीं दे सकता। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन। इसको एक नाम टर्म दिया गया मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड का मतलब ये ऑर्गन के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स को भी कवर अप करता है, यानी उसको मेंटेन रखता है। हैंडल किसको करता है यहाँ पर देख लेते हैं। एक ऑर्गन को भी करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को, और साथ ही साथ में ग्लैंड्स को भी करता है। सिर्फ हाइपोथैलेमस को छोड़कर बाकी सभी ग्लैंड्स इसी के कवर में होती हैं कि हाँ कौन से हार्मोन्स किसको प्रोड्यूस करनी है वो डिसाइड एक पर्टिकुलर ऑर्गन करेगा या ग्लैंड्स करेगा। बट उनको बोलना कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करो, वो सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। बंद कराने से लेकर प्रोड्यूस कराने तक पिट्यूटरी ग्लैंड काम करता है। अच्छा, उसमें लिखा है मेनी हार्मोन्स टू बी रेगुलेट द ऑर्गन एज वेल एज अदर ग्लैंड। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि ग्लैंड्स के साथ साथ ऑर्गन को भी हैंडल करता है। अब ये लिखा है कि कुछ हार्मोन्स का प्रोड्यूस सेक्रेशन, तो मैं कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे कि GH यानी ग्रोथ हार्मोन्स, TSH मतलब थायराइड स्टिम्युलेटरी हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिम्युलेटरी हार्मोन, ल्यूटिनाइज हार्मोन, इसी तरह बहुत सारे हार्मोन्स हैं जैसे वैसोप्रेसिन, टॉक्सिटोसिन। ये डिलीवरी के समय खास तरीके की हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है जो हेल्पफुल होता है डिलीवरी अच्छी तरह से हो सके। तो अब ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रहा, जिसे आप समझ गए कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पाइनियल ग्लैंड।
तो ये हम लोग का पाइनियल ग्लैंड रहा। लिखा है इट इज़ लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन डोर्सल ऑफ द डेंसीसेफेलन। तो ये डेंसीसेफेलन की नियर में होता है और ये सेंटर ब्रेन का होता है जहाँ पर पाइनियल ग्लैंड पाया जाता है। इट प्रोड्यूस हार्मोन्स मेलाटिन, मेलाटिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करता है। अच्छा, मेलाटिन हार्मोन्स क्या होता है? मेलाटिन अफेक्ट रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ओवरी वाइज टेस्टिस हुए उनको डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉड्यूलेशन ऑफ वेक एंड स्लीप पैटर्न एंड द सीजनल फंक्शन, या आपको उठना है या सोना है ये चीज़ें भी क्या करता है पाइनियल ग्लैंड्स के जरिए मेंटेन किया जाता है। पर साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में इस आंसर को बिल्कुल नहीं भूलना है, वो है कि मेलानिन हार्मोन्स का सेक्रेशन, ये एक खास तरीके का डार्क पिगमेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके प्रोड्यूस होने से ही लोग गोरे या काले होते हैं। इसके सेक्रेशन ज़्यादा हुई तो वो लोग सांवले होते हैं, अगर कम हुआ तो लोग गोरे होते हैं। तो ये मोस्टली जो इंडिकेट करता है और वो रिस्पॉन्सिबल रखता है वो होता है मेलानिन हार्मोन का प्रोडक्शन जो पाइनल ग्लैंड्स के जरिए प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो डार्क पिगमेंटेशन को रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लोगों को गोरा काला आपको समझ में आएगा किस ग्लैंड्स के जरिए होता है, पाइनियल ग्लैंड्स। तो हमने आज तीन हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, हाइपोथैलेमस, पाइनियल और पिट्यूटरी, यानी आप इन तीनों हार्मोन्स को पूरे ब्रेन से पढ़ लिया। आगे की वीडियोस में हम नेक्स्ट नीचे वाले पार्ट्स में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, किस टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूशन होती है, उनके क्या वर्क होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी प्लीज़ लाइक कर लीजिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।